आइए मौजूद सामाई हजरात, सोनिक इंटरप्राइजेज पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही दर्द भरा वाकया जिसका उन्वान है खुश नसीब हिरनी। देखिए हजरात, एक हिरनी होती है और उसके बच्चे होते हैं। ये हिरनी अपने बच्चों को छोड़कर जंगल में चरने के लिए आती है। वहाँ पे एक शिकारी इस हिरनी को पकड़ लेता है और अपने जाल में कैद कर लेता है। फिर उस जगह से हमारे आका गुजर रहे होते हैं और इस हिरनी को देख लेते हैं कि ये जाल में फंसी हुई है। ये हिरनी हमारे आका से रो रो कर इस तरह इल्तिजा करती है कि आका, मुझे एक शिकारी ने फांस लिया है, मुझे इस शिकारी से किसी तरह से आप मुझे छुड़ा दीजिए। तो ये हिरनी किस तरह से हमारे आका से रो रो कर इल्तिजा करती है और हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस हिरनी को उस शिकारी से किस तरह छुड़ाते हैं, इस वाक़े में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसके फनकार हैं शकील अशफाक कव्वाल उरैना बदायूं। इस वाक़े को लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब फैज़ बदायूनी साहब ने। म्यूज़िक से सजाया है सोनी खान साहब ने। इसकी रिकॉर्डिंग की है मिस्टर चंद्र गांधी जी ने, एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली। तो लीजिए ये वाकया मैं यहाँ से पेश कर रहा हूँ खुश नसीब हिरनी। तो लीजिए मुलाहिज़ा कीजिए। फैज़ लिख रहे सुनिए दास्तान हिरनी की। फैज़ लिख रहे सुनिए दास्तान हिरनी की। फैज़ लिख रहे सुनिए दास्तान हिरनी की। आका ने बचाई थी कैसे जान हिरनी की। आका ने बचाई थी कैसे जान हिरनी की। आका ने बचाई थी कैसे जान हिरनी की। फैज़ लिख रहे सुनिए दास्तान हिरनी की। फैज़ लिख रहे सुनिए दास्तान हिरनी की। फैज़ लिख रहे सुनिए दास्तान हिरनी की। आका ने बचाई थी कैसे जान हिरनी की। आका ने बचाई थी कैसे जान हिरनी की। आका ने बचाई थी कैसे जान हिरनी की। जंगल से जा रहे रसूल अल्लाह, पेड़ और परिंदे सब कह रहे सुभान अल्लाह। शान मुस्तफाई पर जहाँ सभी लुटाते थे, मालिक हकीकी के सभी गीत गाते थे। यूं अरब का सहरा था पर वहाँ बहारें थी। नूरे हक की बारिश की गिर रही फुहारें थी। कुछ परिंदे शाखों पर घोंसलों में बैठे थे, चल रहे हवाओं के हल्के हल्के झोंके थे। था समा सुहाना सा, चल रही थी पुरवाई। फिर वहाँ पे हिरनी की गम भरी सदा आई। या मेरे रसूल अल्लाह इल्तिजा मेरी सुनिए, जाल में फंसी हूँ मैं
कुछ मदद कीजिए आप बेजुबानों की। दिल की बात सुनते हैं गमजदों के दामन में, आप खुशियां भरते हैं। आइए मेरे आका आपका सहारा है, आइए मेरे आका आपका सहारा है, आइए मेरे आका आपका सहारा है। वरना कौन दुनिया में हम दर्द हमारा है, वरना कौन दुनिया में हम दर्द हमारा है, वरना कौन दुनिया में हम दर्द हमारा है। कीजिए कर्म आका गम की मैं सताई हूँ, नन्ने नन्ने दो बच्चे घर पे छोड़ आई हूँ। आएगा शिकारी तो मुझको मार डालेगा, मेरे नन्ने बच्चों को कौन फिर संभालेगा। भूख से तड़प करके वो भी जान दे देंगे, गम मेरी जुदाई का किस तरह वो झेलेंगे। जब सुनी थी आका ने ये पुकार हिरनी की, देखा था पलट करके एक वहाँ पे झाड़ी थी। जाली एक शिकारी ने झाड़ी में बिछाया था, बेजुबान हिरनी को इस तरह फंसाया था। पास आका पहुँचे तो आ रही सदाएं थी, जाल में वो हिरनी थी लपे उसके आई थी। बेबसी का आलम था हिरनी सर झुकाए थी, अपनी वो रिहाई की आस अब लगाए थी। जब नबी ने देखा था दर्दनाक ये मंजर, जब नबी ने देखा था दर्दनाक ये मंजर, जब नबी ने देखा था दर्दनाक ये मंजर, शाह अंबिया की भी आंखें आई दोनों भर, शाह अंबिया की भी आंखें आई दोनों भर, शाह अंबिया की भी आंखें आई दोनों भर। बोले हिरनी से किस लिए पुकारा है, देख कर तेरी हालत दिल दुखी हमारा है। हिरनी सर झुका करके बोली या रसूल अल्लाह, कीजिए मदद मेरी या मेरे नबी अल्लाह। छोड़ कर के बच्चों को मैं तो चरने आई थी, फर्ज था मेरा जो वो पूरा करने आई थी। बच्चे मेरे भूखे हैं खूब रो रहे होंगे, वक्त काफी गुजरा है याद कर रहे होंगे। जाल में फंसी हूँ मैं ये है मेरी मजबूरी, इसलिए ही बच्चों से हो गई मेरी दूरी। आएगा शिकारी तो मेरी जान ले लेगा, वो ना मेरे बारे में कुछ भी अच्छा सोचेगा। इससे पहले भूखे अब मेरे बच्चे मर जाएं, जाल से छुड़ा दीजिए मेरा प्यार वो पाए।
आप की इनायत से जो रिहाई मैं पाऊं, आप की इनायत से जो रिहाई मैं पाऊं, आप की इनायत से जो रिहाई मैं पाऊं, अपने भूखे बच्चों को दूध में पिला आऊं, अपने भूखे बच्चों को दूध में पिला आऊं, अपने भूखे बच्चों को दूध में पिला आऊं। प्यार या रसूल अल्लाह, आपका जो पाऊंगी दूध में पिला करके जल्दी लौट आऊंगी। बोले थे रसूल अल्लाह प्यार से यूं हिरनी से, दूध भूखे बच्चों को आप पिला के जल्दी से, तुझको छोड़ देते हैं अपनी हम जमानत पे, आ रहा तरस हमको हिरनी तेरी सूरत पे, तेरी बेकरारी ये अब हमें रुलाती है, हमसे ये तेरी हालत अब ना देखी जाती है। यूं ही मेरे आका ने हिरनी वो रिहा की थी, आके एक शिकारी ने फिर वहाँ सदा दी थी, वो नबी से बोला था आपने खता कर दी, जाल में फंसी हिरनी किस लिए रिहा कर दी, थी फंसी वो मुश्किल से अब मैं कैसे पाऊंगा, वो शिकार थी मेरी खाली घर को जाऊंगा। आका ने शिकारी से प्यार से था फरमाया, आका ने शिकारी से प्यार से था फरमाया, आका ने शिकारी से प्यार से ये फरमाया, हाल सारा हिरनी का अब उसे था बतलाया, हाल सारा हिरनी का अब उसे था बतलाया, हाल सारा हिरनी का अब उसे था बतलाया। हिरनी का वो उसे निभाएगी, दूध अपने बच्चों को वो पिला के आएगी। बोला अब शिकारी ये वो तो आ नहीं सकती, अपनी जान मुश्किल में फिर फंसा नहीं सकती। आका ने कहा मेरा ऐतबार कर लीजिए, थोड़ी देर हिरनी का इंतजार कर लीजिए, कुछ ही देर में ऐसा माजरा नजर आया, जिसको देख करके अब वो शिकारी घबराया, सर झुका के हिरनी वो लौट कर वहाँ आई, अपने नन्ने नन्ने दो बच्चे साथ में लाई। बोली हिरनी आका से आपकी इनायत है, मेरे दोनों बच्चों की जान ये सलामत है, बच्चे मैंने समझाए पर नहीं वो माने हैं, मेरे साथ मरने को साथ मेरे आए हैं। शौक से मुझे आका दे दो अब शिकारी को, शौक से मुझे आका दे दो अब
अब शिकारी को शौक से मुझे आका दे दो अब शिकारी को खत्म आज होने दो मेरी जिंदगानी को खत्म आज होने दो मेरी जिंदगानी को खत्म आज होने दो मेरी जिंदगानी को देख करके ये मंजर रो पड़ा शिकारी भी दिल में अब अजब उसके आज बेकरारी थी गिर पड़ा शिकारी वो आका के था कदमों पर इल्तजा किया आका से उसने अब ये रो रो कर आप है नबी सच्चे बातें आप की सच्ची लीजिए गुलामी में है मेरी यही अर्जी इल्तजा है हिरनी को जल्द ही रिहा कर दो सबके गम की करते हो मेरी भी दवा कर दो आका ने शिकारी को अब पढ़ाया कलमा था आमुना के बेटे का ऐसा प्यारा जलवा था कर दी थी रिहा हिरनी वो भी मुस्कुराई थी इस तरह से आका ने हिरनी वो बचाई थी साथ अपने बच्चों के हिरनी घर गई अपने रब की ऐसी रहमत थी पूरे हो गए सपने यूं सुनी थी हिरनी की फैज़ की भी सुन लीजिए यूं सुनी थी हिरनी की फैज़ की भी सुन लीजिए यूं सुनी थी हिरनी की फैज़ की भी सुन लीजिए फंस गई भंवर में है कश्ती पार कर दीजिए फंस गई भंवर में है कश्ती पार कर दीजिए फंस गई भंवर में है कश्ती पार कर दीजिए फंस गई भंवर में है कश्ती पार कर